सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा भेजी जाने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जो हमारी 5000 प्रीवियस जीके क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम से ही लिए गए हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लगातार हम इस तरह की वीडियो लेकर आ रहे हैं और मैं मानता हूं पूरी तरह से बेनिफिशियल रहेंगे आपके आने वाले सभी एसएससी के एग्जाम और स्टेट लेवल के सभी एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक किस परिवार के 4 सदस्यों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है? तो 4 सदस्य नोबेल पुरस्कार मिला है क्यूरी परिवार को। क्यूरी परिवार ही एक ऐसा है जहां पर 4 सदस्यों को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। नेक्स्ट है कि भारत में संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो भारत में जो संविधान का निर्माण किया गया था वह किया गया था संविधान सभा के द्वारा। फिर है कि संविधान सभा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ है? संविधान सभा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना के, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। शैवाल किसके कारण स्वपोषी होते हैं? तो वह होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसी से वह एनर्जी लेते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था? तो यह किया था मुस्लिम लीग ने। संविधान सभा का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट अध्यक्ष की बात की जाए, प्रेसिडेंट की बात की जाए संविधान सभा का, तो वे थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का ढांचा किसने तैयार किया था? तो प्रारूप समिति जो थी, प्रारूप समिति, उसी ने ही संविधान सभा का ढांचा तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट है संविधान निर्मात्री सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान निर्मात्री सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है जबड़े की। फिर है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, ठीक, जांघ की जो हड्डी होती है फीमर। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, जो कि कान की हड्डी होती है, स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है। सदाकत आश्रम का फकीर किसे कहते हैं? तो वह कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सदाकत आश्रम का फकीर। नेक्स्ट है कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर व आईसी चिप्स किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं सिलिकॉन के। ट्रांजिस्टर व आईसी चिप्स किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। नेक्स्ट है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो यह है जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है गाइस, तो ये हो जाते हैं आज के आपके 20 प्रीवियस जीके क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके चले और इस सीरीज को हम लगातार जारी रखेंगे, डेली बेसिस पे कम से कम आपको एक वीडियो तो मिलती ही रहेगी। तो उम्मीद करता हूं आज के ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे पसंद आए होंगे और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप न्यू हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन, उस पर क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब होगा। साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी हम डेली बेसिस पे 3-4 वीडियो डालते हैं उन सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, सबसे पहले मिलते रहेंगे। धन्यवाद।